Welcome back students. Today we are going to discuss our chapter 3, that is Battle of Plassey and Buxar. So in this chapter we'll discuss about Bengal first. अब बंगाल के बारे में हम 1717 से 1772 तक डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम मुर्शिद कुली खान के बारे में डिस्कस करेंगे, जिन्होंने राज किया था 1717 से 1727 में। तो ही वाज अपॉइंटेड एज दीवान ऑफ बंगाल बाय औरंगजेब इन 1700। तो इनको दीवान घोषित किया गया था औरंगजेब के थ्रू, जिसका मतलब था कि इन्हें रेवेन्यू राइट्स दिए गए थे। देन इन 1713 ही वाज अपॉइंटेड एज नायब सूबेदार, that is military rights given to him by Farooq Sayyar. उसके बाद इन्हें military rights भी दे दिए गए Farooq Sayyar के through. Then appointed as Nawab of Bengal in 1717 and he became first governor of Bengal. तो इनको फिर 1717 में Nawab appoint किया गया Bengal के, और इस तरह से ये first governor of Bengal बने. Then in 1719 he became governor of Odisha. Then he shifted the capital from Dhaka to मुर्शिदाबाद। Then after he died in 1727. After him then came Shuja-ud-Din. So he was the son-in-law of Murshid Khan and became governor after him. तो ये son-in-law थे मुर्शिद कुली खान के, तो उनके बाद ये गद्दी पर बैठे और ये गवर्नर बने। In 1733 he was appointed as सूबेदार of बिहार by मुगल emperor मोहम्मद शाह। उसके बाद 1733 में इन्हें सूबेदार बनाया गया बिहार के मुगल एम्परर के, जो थे मोहम्मद। नाउ द राइट्स ऑफ नवाब वर एक्सटेंडेड ओवर बंगाल बिहार एंड ओडिशा। फिर इनको राइट्स जो थे इनके बढ़ गए। बंगाल और ओडिशा के राइट्स तो इनके पास पहले से ही थे, उसके बाद बिहार के राइट्स भी इनके पास आ गए। आफ्टर हिम देन केम सरफराज खान। सो ही वॉज द सन ऑफ शुजाउद्दीन। Then he was killed by Ali Wardi Khan, who was the deputy subedar of Bihar. तो इनको मार दिया गया था अली वर्दीन खान के थ्रू, जो कि डिप्टी सूबेदार थे बिहार के। तो फिर उसके बाद अली वर्दी खान इनकी जगह पर आए। When he became Nawab, there were continuous attacks from Maratha. जब ये नवाब बने तो मराठास के continuous attack चल रहे थे। He also tried to expel Europeans from Bengal. तो जो Europeans थे बंगाल में, ये उनको भी expel करने की कोशिश कर रहे थे। He died in 1756, but before his death, he appointed his grandson as his successor. अब 1756 में इनकी death हो गई, और death से पहले इन्होंने अपने grandson को अपना successor बना दिया था। सिराजुद्दौला फिर आए 1756 से 1757 तक, उनकी जगह पर बैठे। He became Nawab at the age of 23. तो ये 23 की एज में नवाब बने। He was the last independent Nawab of Bengal. The end of his reign marked the start of British East India Company rule over Bengal. तो जैसे ही इनकी reign खत्म हुई, वैसे ही British East India Company ने बंगाल पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो now we'll discuss about Battle of Plassey. अब बैटल ऑफ प्लासी को इस नाम से क्यों जाना जाता है? प्लासी एक प्लेस है हुगली रिवर के पास, तो वहाँ पे ये बैटल हुई थी, इसीलिए इसे बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है। इट इज़ अ बैटल फॉट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स हेडेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला, जो कि नवाब थे बंगाल के, जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। तो ये बैटल किस किस के बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में। Then this battle is regarded as the starting point of British rule in India. तो ये starting point था British rule का India में आने का। A great transformation came about in the position of the English company in Bengal. Battle of Plassey के बाद क्या हो गया? जो English company थी वो उसकी monopoly होगी trade और commerce में Bengal में। Then the alleged black hole tragedy happened during the reign of Siraj-ud-Daulah in 1756. जो ब्लैक होल ट्रेजेडी थी वो एक इंसिडेंट हुआ था जून 20, 1756 में, जिसमें बहुत सारे यूरोपियंस इम्प्रिजन किए गए थे कैलकटा में, और बहुत सारे मारे भी गए थे। देन मीर जफर मेड द नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। उसके बाद मीर जफर को नेक्स्ट नवाब बनाया गया बंगाल के। देन द कंपनी वॉज ग्रांटेड अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल बिहार एंड ओडिशा। उसके बाद क्या हो गया? कंपनी को बंगाल बिहार और ओडिशा में फ्री ट्रेडिंग राइट्स मिल गए, क्योंकि
कंपनी बैटल ऑफ प्लासी में जीत गई थी। इट रिसीव्ड द जिम्मेदारी ऑफ 24 परगानास, तो इसके साथ साथ इन्हें जिम्मेदारी भी मिल गई थी 24 परगानास की। देन केम दी बैटल ऑफ बक्सर। सो बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? ये हुई थी 1764 में, तो ये डेट आपको याद रखनी है। और किस किस के बीच में हुई थी? ब्रिटिश फोर्सेस और ट्रिपल अलायंसेस के बीच में। ब्रिटिश फोर्सेस से इसे कौन लेड कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। और ट्रिपल अलायंसेस में कौन आते थे? मीर काजिम ऑफ बंगाल, नवाब सुजाउद्दौला ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम। देन अलोंग विद नवाब ऑफ बंगाल द एम्परर ऑफ इंडिया वॉज डिफीटेड। तो इस लड़ाई में बंगाल के नवाब के साथ साथ इंडिया के एम्परर भी हार गए थे। देन ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद आई जो 1765 में साइन हुई इस बैटल के बाद, जिसमें इंग्लिश को दीवानी राइट्स मिल गए। किस चीज़ के राइट्स? रेवेन्यू को कलेक्ट करने के। और वो कहाँ के लिए मिले? बंगाल के लिए। इसीलिए जो इंग्लिश थे वो पूरे बंगाल के मास्टर बन गए। सो बाय दिस आई एम रैपिंग अप दिस लेक्चर। आई होप बोथ द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू।